मेदिनीनगर में एक जलमीनार आंधी से गिर जाता है। जलमीनार गिरने के बाद जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सस्पेंशन के बीच में बहुत कुछ होता है। पेयजल स्वच्छता विभाग का ये मामला है। अब क्या कुछ होता है ये समझने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, पेशे से एक संवेदक हैं, ठेकेदार। ओम प्रकाश शर्मा जी ने भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग और पेयजल स्वच्छता विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उन तमाम इंजीनियर्स को सांस लेने में दिक्कत की शिकायत करवा दी है। यहां तक कि ग्रामीण विकास विभाग के भी इंजीनियर्स को इन्होंने परेशान कर रखा है। पहले इसी मुद्दे पर आते हैं। हाँ ओम प्रकाश जी, आंधी से जलमीनार गिरता है उसके बाद क्या होता? एक्चुअली आंधी मौसम विभाग के चेतावनी था कि 24 घंटे के अंदर बहुत सारा क्षति पहुंचने वाला है, जबकि बिजली विभाग का 6 टावर गिरा हुआ है, 100 घर का अल्वेस्टर उड़ गया, उसके बाद जो है कि इस तरह का होते चला गया। लेकिन फिर भी डिजाइन जो किया है सीडीओ, उसका डिजाइनिंग के लिए सीडीओ जो है सेक्रेटरी के द्वारा, ये राजेश शर्मा के द्वारा जो है कि सीडीओ से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया कि तुम डिजाइन क्या किए हो, नहीं किए हो, कैसे किए हो, क्योंकि उस पे 6 कॉलम पे बनना था। लेकिन इसको प्रशांत कुमार के समय जब सेक्रेटरी थे तो उस समय जो है कि ये सीडीओ को सभी कार्यपालक अभियंता को जल मीनार पर जो है कि ड्राइंग भेजने का काम करने का काम कराए गए थे। लेकिन फिर भी आंधी तूफान के चलते जल मीनार गिर गया। लेकिन एसबीडी में नियम है कि अगर ठेकेदार के द्वारा कार्य कंस्ट्रक्शन में अंदर कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है, अगर किसी तरह की कमियां हो जाती हैं या टूट जाते हैं तो उसको अपने खर्च पे बनाने के लिए वो हो जाता है। लेकिन ठेकेदार के द्वारा ये पत्र में दिया गया था कि ठीक है हम जल मीनार तो गिर गया है लेकिन हम उसको बना देंगे अपने खर्च पर। लेकिन इस पे राजेश शर्मा को नहीं मानते हुए, अपने विभाग का मनमानी करते हुए, विभाग को टाल मटोल के राजनीति में हमारे स्कूटिव इंजीनियर जो है उनको फंसाने का काम कर दिया और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें मतलब खेला क्या हुआ? थोड़ा खेला यह हुआ है कि उनको टारगेटेड किया गया है, जेई और स्कूटिव को। जेई जो उनका नाम जो है कोई मित्रा है और स्कूटिव जो है कि आशुतोष कुमार है। सेक्रेटरी साहब बिना जांच कराए हुए उनको सस्पेंड कर देते हैं, जबकि मौसम विभाग के द्वारा ये जो है चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अब मौसम विभाग इस पे रिपोर्ट भी किया हुआ है कि हाँ उस एरिया में आंधी तूफान बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से छतरी पहुंच गई है। तो मतलब ये जल संसाधन कौन भी पेयजल? ये पेयजल स्वच्छता विभाग का है मामला। तो कौन सेक्रेटरी? राजेश शर्मा है। हाँ वो विभाग में जब से आए उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उनको मेडिकल की जरूरत है ऐसा हमको लग रहा है। इसलिए विभाग में जब से आए हैं तब से इधर माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक कर रहे थे और काम करने वाले स्टाफ को इधर से उधर वो ट्रांसफर कर रहे थे। इसका ट्रांसफर छोटे कर्मचारियों का। अब 2 महीना के बाद जो है 3रा महीना में आचार संहिता लगने वाला है, विकास कार्य में ये ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तो काम क्या होगा? नल जल योजना इसी विभाग? हाँ इसी विभाग का है। उसमें भी बहुत गड़बड़। अब उस पे उनको ध्यान नहीं है, उस पे जो घोटाला हो रहा है उस पे उनका ध्यान नहीं है। उनका बस ध्यान है बस जल मीनार के जो गिर गया आंधी तूफान से उस पे उनका ध्यान है। और चूंकि एक्चुअली वो गलती है सीडीओ का, उसमें चीफ इंजीनियर के कमेटी में बैठक में नक्शा होता है उसी हिसाब से काम कराया जाता है। अब स्क्रूटी इंजीनियर का काम नहीं है कि नक्शा पास करने का काम उनका है कि वो काम करके कर दें, ऐसा तो है ही नहीं है, क्योंकि जो उनका ड्राइंग मिलेगा उसी पे वो काम कराएंगे। जब ड्राइंग ही सीडीओ गलत दिया है तो उसको जल मीनार गिरना ही था। तो मतलब इसमें बकरी की बलि दे दी क्या? अब बड़का बड़का शेर? हाँ इसमें बड़े बड़े शेर को छोड़ दिया गया है और स्क्रूटी इंजीनियर और जेई को बकरा का बलि बना दिया गया है। तो देखिए कुल मिलाकर के ओम प्रकाश शर्मा जी अब की बार जो पेयजल स्वच्छता विभाग के सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। पहले 2 बार ये और भी बहुत कुछ राज खोल चुके हैं और अब इस मामले को लेकर के भी ये ईडी के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। इस मामले को लेकर के भी नल जल योजना को लेकर के भी आपके? हाँ मैं मंत्री जी के खिलाफ पत्र बना हुआ है, एक्चुअली मैं लेके मंडे तक जमा कर दूंगा। तो देखिए आने वाले समय में
ईडी और पारा बढ़ाने वाले। आपको बता दें कि मनीष रंजन के खिलाफ भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ईडी को दिए थे, जिसके आधार पर ही बार बार मनीष रंजन जो है उनको बुलाया जा रहा है। और अभी मनीष रंजन जबकि ईडी के रडार पे हैं, फिर भी उनको प्रमोशन पे प्रमोशन दी जा रही है, जबकि उनको विभाग से डिमोशन करना चाहिए जब तक ईडी जब तक क्लियर न कर दे उनका मैटर को। पता नहीं सरकार के साथ उनका हाँ विभाग भी मैंने अति प्रभार से उनको भवन का पूरा पूर्व पावर दे दिया गया है। और सुनील कुमार तो सिंघम बने ही हुए हैं। चलिए तो मतलब आने वाले दिन में अभी और अब बम हाँ और जब तक सलाखों के पीछे अगर सुनील कुमार नहीं जाते हैं तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने भी कह दिया कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी ओम प्रकाश जी के और भी बहुत सारी चीजें इनके पास हैं, बिंदुवार एक एक एपिसोड में तमाम चीजें आपके सामने हम लाते रहेंगे। फिलहाल सहयोगी पिंटू के साथ में अभिषेक भारती, TV 45 रांची।